गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है पादप पुस्तक बताया जा चुका था, उसमें आपको थैलोफाइटा और ये ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा मतलब पेरिटोफाइटा और वृद्धबीजी अनावृद्धबीजी के बारे में बताया गया। अब आपको यहाँ पर जंतु ऊतक का जो वर्गीकरण है, क्योंकि ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, एक पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक, तो जंतु ऊतक में जो वर्गीकरण किया जाता है तो उसके अंतर्गत किन किन समूहों का वर्णन किया गया है, तो जंतु जगत में आपको तीन चीज़ें बताई जा चुकी हैं। एक तो प्रोटोजोआ श्रेणी बताया गया था, जिसमें अमीबा पैरामीशियम वगैरह आते हैं, इनमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जो भोजन को संग्रह करती है, और ये जो इनकी संरचना होती है गमन होता है कूटपाद पश्चिमाविका या कसाविका के द्वारा होता है, जलीय प्राणी होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, ये बताया गया। इसके बाद जो है मेटाजोआ, क्योंकि जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक कल भी बताया गया था कि एक को होता है प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, और दूसरा होता है मेटाजोआ। मेटाजोआ में बहु कोशिकीय जीव आते हैं, जिनमें से आपको पोरीफेरा सिलेंट्रेटा और एनीलिडा संघ के जीव बताए गए थे, इनके लक्षण बताए गए। अब आपको यहाँ पर देखिए, जैसे आपको प्रोटोजोआ में पोरीफेरा, फिर इसके बाद सिलेंट्रेटा, फिर इसके बाद एनीलिडा, ये तो आपके कामन कल बताया गया था। पोरीफेरा का मतलब होता है कि जिनका शरीर छिद्र छिद्र का मतलब छिद्र पाए जाते हैं जिनके शरीर, तो वो आपका पोर पोर माने होता है छिद्र युक्त शरीर वाले जो जीव आते हैं, उन जंतु आते हैं, वो पोरीफेरा में आते हैं। इसके बाद जिनकी गुहा खोखली होती है सीलोम पाया जाता है, वो सिलेंट्रेटा में आते हैं, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद एक बताया गया था एनीलिडा, जिनका शरीर बेलनाकार होते हैं, ठीक है, और कई छल्लों में बटे होते हैं, मतलब कई छल्ले उसमें पाए जाते हैं, मतलब बेलनाकार लंबत होते हैं, और इनमें क्योंकि ये द्विलिंगी जीव भी आते हैं, जैसे केचुआ जोंक वगैरह सब एनीलिडा संघ के हैं, एनेरिस भी इसी में आता है। ये तो आपको कल बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। अब आपको यहाँ पर जो है बताया जाएगा आर्थोपोडा संघ, और आप आर्थोपोडा और ये काइनोडर्मेटा और एक और होता है मोलस्का संघ, तो इनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो सबसे पहले आता है आर्थोपोडा, ये भी सबसे बड़ा संघ होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थोपोडा होता है। इसमें सबसे ज्यादा जितने भी ब्रह्मांड में जीव हैं, इंसेक्ट्स यानी कीट जितने भी हैं, सब इसी में आते हैं, इसलिए इसे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है आर्थोपोडा संघ। इसके अंतर्गत बहुत से जीव आते हैं, उनके पहचान क्या है, जैसे जीव में कौन से, जैसे काकरोच है, बिच्छू है, केकड़ा है, ठीक है, मच्छर है, मक्खी है, बटरफ्लाई यानी तितली है, तो ये जितनी भी हैं ये सब आर्थोपोडा, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब आर्थोपोडा में आते हैं, काकरोच वगैरह। तो उनके जो है लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आर्थोपोडा संघ का पहला लक्षण है कि इनका शरीर द्विपार्श्वी सममित वाला, द्विपार्श्व सममित वाला होता है, और इनका शरीर खंडों में बटा होता है। जो दूसरा पॉइंट है, इनका शरीर सिर वक्ष और उदर में विभक्त होता है। फिर इनमें जो है क्या होते हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। फिर इनमें जितने प्रत्येक खंड में जो है जोड़े में पैर में उपांग पाए जाते हैं, जैसे पैर है, ठीक है, और एंटीना है, ये सब पाए जाते हैं जिससे वो संवेदनाओं को प्राप्त करता है, ठीक है, कुछ कीड़ों को पकड़ने वाला भी उसमें मैंडिबल्स वगैरह होते हैं जो जैसे काकरोच वगैरह में होते हैं। तो इनमें तो एक तो द्विपार्श्व सममित होता है इनका शरीर, इनका शरीर खंडों में बटा होता है, इनका शरीर सिर वक्ष उदर में बटा होता है, इनमें जो वाह कंकाल होता है, जो खोल होता है, काकरोच में देखिए ऊपर खोल होता है, उसका मतलब कवर जो होता है, भित्ति होती है, बाहरी भित्ति, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। जो भी जीव आते हैं इसमें उनका जो वाह आवरण होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन CHITIN काइटिन का बना होता है वाह कंकाल। फिर इनमें जो है जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है आर्थोपोडा संघ में क्या होता है, खुला प्रकार का होता है, बाकी सब में बंद होता है। इनमें श्वसन के लिए क्या होते हैं, क्लोम्स होते हैं, गिल्स होते हैं, मतलब क्लोम
और एक होता है में ट्रैकिया, ट्रैकिया या बुकलंग्स जो जलीय प्राणी होते हैं इसमें से आर्थ्रोपोडा संघ में, जैसे आपका केकड़ा है, ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जो जल में रहते हैं उनमें क्या होता है श्वसन क्लोम द्वारा होता है, और बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो स्थलीय होते हैं जैसे बिच्छू है मक्खी हो, ये सब जो है इनमें क्या होते हैं ट्रैकिया या बुकलंग्स होते हैं, इनमें जो गुहा होती है क्योंकि रक्त पूरे द्रव कोशिका में फैला हुआ होता है, इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं क्योंकि बंद प्रकार का जो परिसंचरण होता है उनमें नलिकाएं होती हैं, और जो खुला प्रकार का परिसंचरण होता है तो उसमें एक गुहा में ये द्रव भरा होता है, उसमें कोशिकांग भरे होते हैं, तो उस द्रव को कहते हैं हीमोसील, तो हीमोसील इसमें पाया जाता है। और इनमें जो है मेन पहचान ये है कि इनमें जो है संयुक्त नेत्र होते हैं और इनका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। इसके अंतर्गत आते हैं कॉकरोच बिच्छू वगैरह आते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद आता है मोलस्का संघ, संघ मोलस्का, मोलस्का इस संघ के जीव जो होते हैं इनका शरीर खंड रहित होता है, खंडों में विभक्त नहीं होता है, अत्यंत मुलायम और कोमल होता है। इनके शरीर के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। इसमें आता कौन सा जीव है, जैसे घोंघा है, सीपिया है, सीप जो होती है घोंघा होता है, ये सब इसमें आते हैं मोलस्का संघ में, ठीक है। और इसी में जो है आता ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी इसी में आता है, सब मोलस्का संघ के जीव है। तो इनका शरीर क्या होता है अत्यंत कोमल और मुलायम होता है और खंडों में विभक्त नहीं होता है। दूसरी चीज कि इनका जो आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल होता है कठोर, जिसके अंदर वो जीव सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित रखता है। फिर इनमें जो है ये क्या होते हैं, ये भी एक जलीय प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका जो ऑक्टोपस है, घेंगा घोंगा है, और आपका सीपी है, तो ये सब इसमें आते हैं। फिर इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, अब एक आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा ये भी एक जलीय प्राणियों का संघ है, इसमें ज्यादातर सभी प्रकार की मछलियां आती हैं, जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश यानी तारा मछली, स्कोलियोडॉन है, और आपका फोलोथुरिया है यानी समुद्री खीरा जिसे बोलते हैं, वो भी एक जीव होता है, हिप्पोकैम्पस है, और स्टारफिश तो आपको बताई दिया, तो ये सब इसमें आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। इनका जो शरीर होता है इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु का शरीर पंचतरी आरीय सम्मित होता है, ठीक, इनमें कंटिकाएं पाई जाती हैं। इनमें सबसे मेन पहचान है जल संवहन तंत्र, केवल यही एक ऐसा संघ है जिनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, और वो जल संवहन तंत्र किससे संबंधित होता है, नालपाद यानी ट्यूब फीट से वो जुड़ा होता है यानी संबंधित होता है। फिर इनमें जो है जो आते हैं आपके स्टारफिश वगैरह जो है क्या होते हैं जलीय प्राणी आते हैं, तो इसमें ज्यादातर सभी क्या आते हैं मत्स्य वर्ग के प्राणी सब इसी संघ में आते हैं इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। तो ये आपके ये संघ हो गए, इनके लक्षण हो गए आर्थ्रोपोडा वगैरह। फिर इसके बाद देखिए इनमें से कुछ जीवों की संरचना जो आपके हैं इस जगत में जंतु जगत में, तो जैसे आपको बताया गया था कि इस प्रकार अगर संरचना बनी हुई है तो ये आप जानते हो अमीबा हो गया, अमीबा में जो गमन होता है फूटपाथ के द्वारा होता है, ये इनमें भी संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, पूरे में द्रव भरा होता है, ठीक है, इसमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है, ये सब आपको मालूम है। फिर इसके बाद आता है पोरिफेरा, ये भी बताया जा चुका है फिगर के माध्यम से, उनमें इस प्रकार जो है स्पर्शक ऊपर होते हैं, ठीक है, छिद्रित होता है शरीर। ये जो आपका आता है एक कोशिकीय जीव, इसके अंतर्गत ये क्या है प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में आता है एक कोशिकीय जीव, इनमें क्लोरोफिल्स के कारण काड़े भी है जो तालाबों वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनमें केंद्रक भी होता है, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, ये लक्षण तक बताए गए हैं। तो इनमें से जैसे फूटपाथ के द्वारा गमन होता है किसमें अमीबा में, फिर इसी तरह ये किसी में आता है पैरामीशियम, इस प्रकार की संरचना बनी होती है, ये सीलिया पाए जाते हैं, चप्पल के आकार की संरचना होती है, ये जो है क्या है
तो अमीबा हो गया, पैराबेशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये एक कोश की जीव है। किन्हीं दो एक कोश की जीवों के नाम बताइए। तो प्रोटोजोआ संकेजंत होते हैं, बहुकोशिकी जीव है आपको बताया गया, पोरीफेरा जिनका शरीर छिद्र युक्त होता है। फिर एक आपको सिलेंट्रेटा बताया गया जिसमें हाइड्रा वगैरह आते हैं। तो हाइड्रा की संरचना इस प्रकार होती है, इसमें स्पर्शक इस प्रकार निकले होते हैं। तो ये संरचना हाइड्रा की है। फिर इसके बाद जो है हाइड्रा है, इसमें एक और आता है सी अर्चिन भी आता है। इस प्रकार संरचना होती है, टेंटिकल्स इस प्रकार निकले होते हैं, ये सी अर्चिन भी बोलते हैं। तो ये आते हैं सिलेंट्रेटा में, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद एनिलिडा आता है, उनका शरीर इस प्रकार बेलनाकार होता है, खंडों में बटा होता है, जैसे केचुआ है। इनका जो कंकाल होता है वो आपका काइटिन का घोल का बना होता है। इनमें भी नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, द्विलिंगी जीव होता है। केचुआ है, जोंक है, ये एनिलिडा संघ में आ गया। ये आपका साइकॉन का फिगर है, स्पंज जिसे बोलते हैं, स्पंजिला भी इसी में आता है। इसमें हाइड्रा हो गया, सी अर्चिन हो गया, एनिलिडा में आपका जोंक हो गया और ये केचुआ हो गया। फिर आर्थ्रोपोडा में जैसे कीट आते हैं, कीट का मतलब जैसे इस प्रकार की संरचना। तो ये जो खोल बना हुआ है ये खोल काइटिन का बना होता है, यहाँ दो संयुक्त नेत्र होते हैं, एंटीना बना होता है, मैंडिबल्स होते हैं, ठीक है। फिर इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं, जो शिकार को पकड़ने वाला होता है। फिर इसमें दो जोड़ी इस तरह पार पाए जाते हैं, पैर प्रत्येक खंड पर क्या होते हैं, उपांग उपांग बेच पाए जाते हैं। इस प्रकार ये शरीर होता है, जैसे काकरोच वगैरह बिच्छू वगैरह है। तो ये सब इसमें जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। इसके बाद जैसे मोलस्का संघ में, तो जैसे सीपिया वगैरह होते हैं, घोंगा वगैरह होते हैं, तो घोंगा की संरचना इस प्रकार बनी होती है। ये सीपिया वगैरह है, घोंगा है, ये सब इसमें आते हैं मोलस्का संघ में। इनका जो आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर इसी में जैसे एक आता है काइनोडर्मेटा, तो स्टारफिश का मतलब सितारा जैसी, मतलब तारा मछली आते हैं। इसमें देखिए जो सिलेक्ट्रेटा में है जेलीफिश भी आता है, जेलीफिश की संरचना इस प्रकार बना सकते हो, ये समुद्र में तैरता रहता है ये, ठीक है। ये जेलीफिश है, उसमें आता है सिलेक्ट्रेटा में हाइड्रा के साथ में। और एक और है जैसे कि ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस भी आप बना सकते हो। ऑक्टोपस की संरचना इस प्रकार होती है, जैसे ये आपने बनाया, इतना बनाने के बाद फिर ये उनके आठ पैर बनाने हैं इस प्रकार ये। फिर इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ, इनको थोड़ा सा उल्टे पैर उसमें जो है इस तरह बने होते हैं। तो इस प्रकार ये संरचना जो बन गई वो किसकी बन गई, ऑक्टोपस की। तो ऑक्टोपस भी बना सकते हो, मोलस्का संघ का ये भी जीव है। फिर स्टारफिश भी दिखा सकते हो, स्टारफिश में आप तारा जैसी मछली बनाना है इस प्रकार। इनमें ये कंटिकाएं होती हैं जो शिकार को अपने शिकार से सुरक्षा करती है, इस प्रकार ये स्टारफिश भी आप दर्शा सकते हो। खैर वैसे फिगर बनाने को आता नहीं है, लेकिन इनके लक्षण आपको मालूम होना चाहिए। इनमें जल समान तंत्र पाया जाता है पूरे में इस तरह। तो एक पहचान ये इसकी है कि इसमें जल समान तंत्र पाया जाता है जो ट्यूब्यूट से संबंधित होता है। इस प्रकार आपने जंतु जगत के वर्गीकरण को पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए आपको मेटाजोआ में जो एक आता है कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। मेटाजोआ को दो भागों में बांटा गया, एक कार्डेटा और एक नॉन कार्डेटा। तो आपको कार्डेटा संघ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।